अगर आपको अपने अनुभवों से तेजी से बदलती परिस्थितियों के हिसाब से पॉलिसीज में किसी सुधार की जरूरत लगती है तो उसका भी फीडबैक जरूर पहुंचाइए, बिना संकोच पहुंचाइए, क्योंकि लड़ाई ऐसी है कि हम सब मिलकर के सोचेंगे, सब मिलकर के नई नई चीजें ले आएंगे, तब जाकर के हम कर पाएंगे। साथियों, आपके जिले की सफलता बाकी जिलों के लिए एक उदाहरण बन सकती है, उनकी भी मदद कर सकती है। कोरोना से निपटने के लिए जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको भी हमें एडॉप्ट करते चलना है। आपके बहुत से साथी ऐसे जिलों में होंगे जहां कोरोना संक्रमण पीक पर पहुंचने के बाद अब कम हो रहा है। उनके अनुभवों से सीखकर आप अपने जिलों में अपनी रणनीति को और मजबूत करते रहेंगे तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई और आसान होगी। साथियों, इस समय कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के आंकड़े कम हो रहे हैं, कई राज्यों में बढ़ भी रहे हैं। कम होते आंकड़ों के बीच हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बीते एक साल में करीब करीब हर मीटिंग में मेरा यही आग्रह रहा है कि हमारी लड़ाई एक जीवन बचाने की है, एक एक जीवन बचाने की है। हमारी जिम्मेदारी संक्रमण को फैलने से रोकने की भी है, और ये तभी संभव है जब हमें संक्रमण की स्केल की सही जानकारी होगी। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इस पर लगातार बल देने रहना जरूरी है। कोरोना की इस दूसरी वेव में अभी ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में हमें बहुत ध्यान देना है।